हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सभी विद्यार्थी कक्षा आठवीं वाले जुड़ जाइएगा क्लास में। सभी स्टूडेंट्स वार्षिक परीक्षा का अपना पेपर देने वाले हैं गणित का। आठवीं के सभी स्टूडेंट्स 7 मार्च का आपका गणित का पेपर रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल गणित का पेपर, मार्क्स है 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर के सही आंसर लगाएंगे स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हम देखें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा आपका 81 सही उत्तर लगाएंगे। और संख्या 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या होगा? तो इसका जो माध्य हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 5 आपका माध्य हो जाएगा। जिसके बाद में अगले प्रश्न को देखें, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। तो आयत का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा बच्चों आपका 28 सेंटीमीटर। और संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका जो वर्गमूल होगा बच्चों वो होगा आपका 0.36। अगला प्रश्न है, समीकरण 6×12 का हल है, तो इसका जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर खाली स्थान देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 6 से लेकर 10 तक। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो 9999 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है? तो घनाभ में कोरों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। अगला प्रश्न, 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो इसका जो हो जाएगा वो 42 आंसर हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योगफल होता है, तो इसका जो योगफल होता है बच्चों होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ पर 10वां है, अक्रम ने एक मैच 2500 रुपये में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य होगा, तो उसने उस मैच को कितने रुपए में बेचा? तो इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताने वाला हूँ। तब तक सभी स्टूडेंट आठवीं वाले इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ सबसे पहले किसका जवाब सही आता है, ठीक है, उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहा हूँ। जिसके बाद में ये 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है, नीचे अभी बताऊँगा। तब तक आप मुझे सभी स्टूडेंट्स इन प्रश्नों के आंसर 11, 12, 13, 14, 15, 16 जिसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर इनमें से आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन सभी के आंसर मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा, अगला वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आया तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर कर लो, ताकि आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो मिल सके। और आप सभी अपने दोस्तों को, अपने सभी आठवीं वाले भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसी प्रकार आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।